गुड इवनिंग एंग्रीबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको मेरी परसों वाली वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने कल थोड़ा सा फिर स्किप कर दिया था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट जो मैंने परसों वीडियो शेयर करे थे, जिसमें मैंने तीन स्टॉक्स शेयर करे थे, फर्स्ट वन वॉज दीपक फर्टिलाइजर, एडवांस एंजाइम्स और SBI लाइफ। तो SBI लाइफ कल अपना जो मैंने एक लेवल बताया था 915 का, वो टच करके आया था। इवन आज भी अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ये अराउंड 920 922 का एक हायर साइड का लेवल एक ऑलरेडी टच करके आ चुका है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी और अप मूव मिलेगी यहाँ से, बट वो नहीं मिली। बट यस, मेरा जो परसों वाला लेवल था वो अचीव हो गया था। सो सेकंड स्टॉक वॉज दीपक फर्टिलाइजर। मैंने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर वो मूव करता है, यानी 1050 के ऊपर अगर वो मूव करता है, तो वहां से एक बड़ी मूव मिल सकती है। और वहां से अगर हम कंपेयर करते हैं जिस लेवल में मैंने शेयर करा था परसों और आज, आज अराउंड 1030 के आसपास जाकर के इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और जो एक्चुअल इसका शेयर करा था वो 1030-1035 के आसपास, वहां से अराउंड ये अपनी 80-90 पॉइंट की मूव ऑलरेडी दे चुका है दीपक फर्टिलाइजर्स। सेकेंड स्टॉक वॉज एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो यू कैन गो एंड चेक माई प्रीवियस डे वीडियो, जो मैंने परसों जो वीडियो डाली थी, आप उसको चेक करोगे तो वहां से काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एडवांस एंजाइम यहां से और क्या मूव मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए क्या है रडार पे? तो आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना कुछ नया सेगमेंट लेकर के आया जाए। जैसे मैं पहले सिल्वर, गोल्ड सिल्वर में शेयर कर चुका हूं, सो आज के लिए मेरे रडार पर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, लेट से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। इसकी रेंज बना देता हूं मैं, काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। अगर हम देखते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है फिलहाल आज मॉर्निंग से, बिकॉज ये मॉर्निंग वाला स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म नहीं, बट येस फॉर अ शॉर्ट टर्म एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली कहाँ पे क्लोजिंग मिलनी चाहिए तो एक फर्दर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिल सकती है या डाउनसाइड मिल सकती है। सो एज ऑफ नाउ 219 रुपए का लेवल इज अ वेरी गुड लेवल फॉर यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिल सकती है। अगर 219.50 रुपए 220 रुपए के आसपास अगर ये सस्टेन करता है, एटलीस्ट 30 मिनट यहाँ पे टिकता है, तो मुझे लगता है कि यहां से कम 10-12 पॉइंट की अपसाइड मिलनी चाहिए नेचुरल गैस में, ठीक है। इन केस नीचे का अगर वो लेवल तोड़ने लगता है तो 216-215.50 रुपए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे क्लोजिंग बेसिस पे ऑन 30 मिनट। 30 मिनट के नीचे अगर ये 215.50 रुपए 216 रुपए के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो आई थिंक अपने लॉन्ग्स वहां से निकल जाने चाहिए, बिकॉज चांसेस ये है कि ये जो बीच का गैप है, अगर आप बहुत क्लोजली इसको देखोगे, आप अगर बहुत ज्यादा क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर एक गैप है। हो सकता है कि ये गैप फिलिंग अगर ये लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से गैप फिलिंग के चांसेस हैं। इन केस अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 219.50 रुपए 220 रुपए के ऊपर, तो यहां से एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 12 पॉइंट की अपसाइड मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑन रडार, इंस्ट्रूमेंट कहेंगे बिकॉज यहाँ पे इक्विटी का भी है और कमोडिटी भी है, ठीक है। सो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट ऑन रडार वुड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मैंने ये 19 मार्च वाला खोला है, अभी जो करंट एक्सपायरी वाला है उसका जो एक्सपायरी है बहुत पास है, काफी ज्यादा पास है, वो एक्सपायरी आने वाली है ऑलरेडी, ठीक है। सो आई फील क्रूड ना अगर आप देखोगे तो अपने 13 महीने के हाई पे है, जो पिछले 13 महीने पहले जो इसका एक लेवल हुआ करता था, ये उस हाई पर आकर के वहां पे रुका हुआ है। क्रूड की बेसिकली रैली कहां पर जाकर के रुकनी चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि रुकनी चाहिए, बट यस क्रूड को रेजिस्टेंस कहां पे मिलना चाहिए जाकर के। सो आई फील क्रूड को 4500 रुपए 4500 से लेकर के 4520 4520 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। इन केस अगर डिप करता है 3960 से लेकर के 4000 का लेवल वुड बी अ वेरी गुड लेवल, बिकॉज अगर आप बहुत क्लोजली इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर जोन से आकर के इसने ब्रेकआउट दिया। सो ये जो लेवल्स हैं बेसिकली 19 मार्च के लेवल्स हैं, तो आप फेब्रवरी वाले लेवल से ना कंपेयर करें इसे। अगर हम इसको बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल पर ये काफी टाइम तक घूम रहा था और सडनली यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एज ऑफ नाउ जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज अराउंड 4500 4520 का लेवल रहेगा, वहां पे सस्टेन करना चाहिए फॉर फर्दर स्ट्रॉन्ग अपमूव। अभी फिलहाल के लिए बीच में है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक
पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेना एडवाइजेबल होगा, ठीक है। बट यस, अगर ये 3960 से लेकर के 4000 का रेंज में आता है तो यहाँ पे दिस वुड बी अ वेरी गुड बाय फॉर अ वेरी विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस लेवल नोट करते हैं तो 4500 वुड बी अ वेरी गुड, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन है, या मे बी वी कैन से शॉर्ट जोन जो आता है वो बेसिकली वहां पे हमारा 4500 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इक्विटी में मेरे रडार पे क्या है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे तो नेचुरल गैस ऑलरेडी मूव करना शुरू कर रहा है, बिकॉज ये जो इसका लेवल था ना, यहाँ पे इसको रेजिस्ट इतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब यहाँ से ना इसके अपमूव के चांसेस हैं, लाइव चल रहा है, तो हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो डालूं तब तक वो लेवल मिस हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सी, क्योंकि अभी फर्दर मेरे को लगता है कि स्ट्रांग अपसाइड इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक और ऑन माय रडार, मतलब कल के लिए या आने वाले एक दो दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक रहेगा? फर्स्ट वन वुड बी हिंदुस्तान यूनिलिवर। अगर आप नोटिस करोगे तो हिंदुस्तान यूनिलिवर एक्चुअली बहुत दिनों से ना गिर रहा था, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल पर ना इसके पुराने कुछ प्रीवियस इसके रेजिस्टेंस जोन थे, ठीक है। पुराना एक रेजिस्ट कर रहा था और काफी ज्यादा टाइम वहां पे रेजिस्ट कर रहा था। अब हुआ क्या, जब वो वहां से गिर गया स्टॉक, तो फाइनली एक लेवल पर आने के बाद उसको सपोर्ट मिला, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के सपोर्ट मिला, अगर मैं बहुत क्लोजली अगर आप इसको नोटिस करो तो इसी लेवल पर आने के बाद इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा था। सो अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मैं एक 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलता हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन तोड़ने के बाद इसने अपनी एक फर्दर अपसाइड रैली जो है शुरू करी, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहां से बेसिकली आज ये अपने एक लेवल पे ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अब इसको रेजिस्ट कहाँ पे करेगा जाकर के, यानी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड अपसाइड लेवल्स कौन से रहेंगे इसके। सो पहला एक्सपेक्टेड अपसाइड लेवल वुड बी 2290, ठीक है, 2290 के आसपास अगर आता है तो दिस वुड बी माय फर्स्ट लेवल टू बी फोकस्ड ऑन। अगर वो 2290 का लेवल तोड़ देता है और वहां से जाकर के ऊपर की तरफ थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो आई फील जो नेक्स्ट लेवल आना चाहिए वो 2320 रुपए, ठीक है। तो 2290 एंड 2320 वुड बी दी लेवल्स टू वॉच फॉर। अगर वो 2320 का भी लेवल तोड़ देता है तो आई फील 2350 2355 का लेवल दिखा सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सपोर्ट जोन्स कहाँ पे रहेंगे इसके, सपोर्ट जोन्स वुड बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसका, दिस इज एट 2200, 2200 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाए तो वहां से फिर गिरने के चांसेस हैं। बट आई फील कि अब ये यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो कुछ हद तक अगर मैं नोटिस करता हूँ तो इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, और वहां से अभी ये सपोर्ट ले चुका है और फर्दर अपसाइड दे रहा है। फॉर लॉन्ग्स बेसिकली 2200 वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और ऊपर की तरफ 2290, 2320 और 2355 वुड बी द लेवल्स टू वॉच फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी कैडिला। आई फील कैडिला रिजल्ट कैडिला के अच्छे आए थे, बट आई डोंट नो व्हाई रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा इसमें एक डाउनफॉल आया। और तो अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली नोटिस करते हैं तो कैडिला आई फील मेरे को लगता है कि अपना शॉर्ट टर्म का एक बेस बना चुका है, और यहाँ से इसकी एक स्ट्रांग नॉट स्ट्रांग बट येस अ शॉर्ट टर्म अपसाइड यहाँ से मिलनी चाहिए। तो आई फील अगर ये नीचे की तरफ 459 का लेवल अगर ये बचा जाता है, 459 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन, अगर 459 का लेवल बचा जाता है तो अपसाइड आई फील कि 482 488 वुड बी अ वेरी गुड लेवल ऑन दी अपसाइड, ठीक है। ऊपर की तरफ जो मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं वो 482 एंड 488 वुड बी द लेवल्स। इसको हम शॉर्ट टर्म रडार पे रखेंगे, लेट्स से इंट्राडे में अगर वो आ जाता है तो वेल एंड गुड, इन केस अगर वो इंट्राडे में यानी आता तो विल कीप दिस स्टॉक ऑन दी शॉर्ट टर्म रडार। सो एज ऑफ नाउ क्विकली मेरे रडार पे खाली चार चीजें हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, हिंदुस्तान लीवर एंड कैडिला। इन केस अगर कोई फर्दर कोई फ्रेश चीज आती है तो मैं उसको क्विकली अपडेट कर सकता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर सकता हूँ। इन केस अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यू कैन सब्सक्राइब, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई होप आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को बिल्कुल टू द पॉइंट रखूँ और बिल्कुल क्रिस्प रखूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, क्योंकि उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं रेगुलर बेसिस पे और वीडियोज बनाते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।